नमस्कार दर्शकों, गुरुवार के दिन विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी आराधना करना शुभ माना जाता है, क्योंकि देवी मां लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी हैं। इसलिए आज के दिन दोनों के अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही नई झाड़ू से घर की सफाई करने पर घर में सकारात्मकता आती है। नई झाड़ू को आप घर में छुपा करके ही रखना चाहिए। आप गुरुवार के दिन घर के किसी कोने में झाड़ू को छुपा कर रखने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तिजोरी में सोने से बने झाड़ू को रखने से धन की बढ़ोतरी होती है, घर में संपन्नता आती है और किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आप धन की प्राप्ति के लिए घर में आज के दिन नई झाड़ू लाने से धन में बढ़ोतरी होगी। आप इस दिन नई झाड़ू खरीद सकते हैं। गुरुवार के दिन नई झाड़ू से साफ सफाई करने से और स्वच्छ स्थान पर रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो गुरुवार को सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। अब सारे कमरों में गंगा जल छिड़कें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है, बीमार व्यक्ति भी तुरंत ठीक हो जाता है। और अगर आपके यहाँ पैसों की तंगी चल रही है तो तंगी से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को 3 नई झाड़ू दान करनी चाहिए। ऐसा करने से पैसे की तकलीफ दूर होगी और आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। जिनके पास पैसे नहीं टिकते उन्हें गुरुवार के दिन नई झाड़ू को लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर घर में कहीं छुपा कर रख देनी चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है और पैसों की बर्बादी नहीं होती। गुरुवार के दिन सोने की छोटी झाड़ू बनवा कर घर की तिजोरी में जरूर रखना चाहिए। आप यह काम करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है तो विष्णु भगवान जी के किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू और पीले रंग के अन्न का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरुवार को झाड़ू कभी भी शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश रहने देना है, आपके घर में लक्ष्मी आए, इसलिए आप झाड़ू शाम के वक्त ना लगाएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।